मादानी चैनल का सिलसिला क्लिनिक बराहे रास्त हुआ। निगरानी शूरा ने भी मादानी चैनल के नाजरीन को अपने मादानी फूलों से नवाजा। आज मदनी चैनल के सिलसिले के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है खांसी। खांसी बेसिकली होती क्या है? खांसी एक दिफाई हरकत होती है इंसानी जिस्म की, जो आपके फेफड़े या जो सांस की नालियां हैं या सांस का जो पैसेज है जिसको हम आलात तनफ्फुस कहते हैं, उसमें अगर कोई मोजी शय चले जाती है तो उसको बाहर निकालने के लिए यानी एक्सपेल आउट करने के लिए ये एक कुदरती तरीका होता है। दरहकीकत खांसी जो है एक अलामत है मर्ज और आलात तनफ्फुस की अलामत भी हो सकती है। उमूमन मेडिकल स्टोर पर जाकर यही कहा जाता है कि खांसी का शरबत दीजिएगा, तो वो शायद जो जिसमें ज़्यादा नफ़ा होता हो या नहीं बिकता हो या जो भी, मतलब मेडिकल वाला उठा के दे देता है। तो अगर मेडिकल स्टोर वालों के लिए कोई ऐसा उसूल सही मायनों में बन जाए ना डॉक्टर साहब के विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वो ना दिया करे दवाई, यार उसूल तो है लेकिन इम्प्लीमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसमें एक होती है जिसको हम कहते हैं बहुत शदीद खांसी होती है। उसमें बहुत शदीद खांसी मतलब आपको हो ही जा रही है, एक दफ़ा अगर हो गई तो उसमें 3-4 मिनट मुसलसल लेते रहते हैं, तो वो खांसी में क्या होता है कि उसमें फेफड़ों की सोजिश वगैरह होती है जिसकी वजह से वो खांसी आपको हो रही थी। अब वो क्यों हो रही होती है ये फिर जब आप तशखीस का अमल, खांसी का ताल्लुक फेफड़ों से भी है? जी बिल्कुल, खांसी का ताल्लुक सीनों से। इस तरह अगर हम डिस्टिंग्विश करेंगे ना तो इसमें ये होगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करें तो आपका गले से स्टार्ट हो गया सीना, सीने से आप चले गए बाज़ों का दिल की वजह से कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें खांसी होती अच्छा। है, मेदे की कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनमें खांसी होती है, कुछ दवाइयाँ अद्वियात वगैरह इस्तेमाल कर रहा होता है पेशेंट ऐसे जिसकी वजह से खांसी अच्छा। हो रही होती है, तो वो सारी चीज़ें हिस्ट्री से पता चलती हैं कि बेसिकली खांसी हो क्या रही है। लेकिन आम तौर पे यही होता है कि जो मौसमी खांसी होती है हल्की फुल्की नज़ला ज़ुकाम वगैरह की वजह से होती है, या फिर खुदा ना खास्ता कोई सीने की कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उनको खांसी हो रही होती है। घरेलू इलाज किताब सफ़ा नंबर 60 पर शेख तरीकत अमीर अल सुन्नत ने गले के हवाले से जैसे आवाज़ वगैरह बैठ जाती है, आवाज़ में प्रॉब्लम होती है, तो इसके हवाले से इरशाद फरमाया है कि 1 चम्मच जौ शरीफ के दाने चबाइए और चूसिए, फिर आखिर में निकल जाइए। जौ शरीफ ठीक है जी। और इसके अलावा तावीदात अत्तारिया के बस्से पर एक तावीज़ मिलता है जिसे या मुस्तबीन के नाम से तलब किया जा सकता है, तो उसमें यह है कि वो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल खांसी दमा गले के जो अमराज होते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसमें बहुत फ़ायदा उससे इंशाअल्लाह होगा।